तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो होने वाले हैं उन सारे खुराफाती लोगों के लिए होने वाले हैं जो अपने डिवाइस में नए नए खुराफात करते रहते हैं और नए फीचर्स को ट्राई आउट करते रहते हैं। आज ऐसे ही आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको बहुत सारे नए एंड्रॉयड मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब मॉड्यूल्स वो होते हैं जो बेसिकली आपको कस्टम रोम्स में देखने को मिलते हैं या तो फिर कोई दूसरे फीचर्स होते हैं जो अलग अलग डिवाइसेस में हमको देखने को मिलते हैं। अब इसके लिए आपको अपने फ़ोन को रूट करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई कस्टम रोम इंस्टॉल करनी है, तो सारा का सारा इंटरेस्टिंग मसाला आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो बगैर आपका टाइम गवाए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो यहाँ पर जो ऐप है उसका नाम है कॉमेटिन। अब यहाँ पर ये जो ऐप है 7.4 MB की ऐप है, इसमें आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर ट्यूटोरियल्स को हम जल्दी से स्किप कर देते। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है मॉड्यूल्स वाला एक कंप्लीट सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे आप गेट मॉड्यूल्स पे क्लिक करेंगे तो इस ऐप के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं आपको वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को अलग अलग बहुत सारे मॉड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को ऐप लॉकर, बेटर रोटेशन, डार्कर ब्राइटनेस और भी बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ काम के मॉड्यूल्स बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो बेटर रोटेशन वाला मॉड्यूल है वो यहाँ पर मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो हम लोग जो जल्दी से इसको इंस्टॉल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको परमिशंस की लिस्ट भी देखने को मिलेगी, कौन से जो परमिशन है ये मॉड्यूल लेने वाले हैं। उनको अलाउ करने के बाद में आप लोगों को इसको सिंपली अनेबल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो ऐप्स आपके डिवाइस में ऑटो रोटेशन को सपोर्ट नहीं करते आप उनको भी यहाँ पर लैंडस्केप मोड में यूज़ कर सकते हैं इस मॉड्यूल को अनेबल करने के बाद में। जैसे यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम को ऑटो रोटेट करता हूँ तो वो भी जो है लैंडस्केप मोड में अब चालू होगा, जो कि अच्छे से वर्क कर रहे हैं काफ़ी। अब जो दूसरा मॉड्यूल मुझे काम का लगा वो है शेक एक्शंस वाला। अब जैसे मोटरोला के फ़ोन्स में आपको एक फ़ीचर देखने को मिलता है, जैसे आप अपने फ़ोन को शेक करते हैं तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है या तो फिर आप कैमरा ओपन कर सकते हैं अपने डिवाइस को शेक करके, वैसा ही ये जो मॉड्यूल है वर्क करता है। अब यहाँ पर आप लोगों को उसका एक मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हैं इस मॉड्यूल को, आपको सिंपली इन परमिशंस को अलाउ कर देने। इसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं मॉड्यूल्स वाले सेक्शन में, आप लोगों को इसको जो है सिंपली अनेबल कर देने। तो यहाँ पर हम जल्दी से इसको अनेबल कर देते। फिर यहाँ पर आप लोग जो है इसके सेंसिटिविटी को भी बढ़ा सकते हैं, मतलब कितनी आपको सेंसिटिविटी रखनी है जो आप शेक करें अपने डिवाइस को। और यहाँ पर आप जो है शेक काउंट को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कितनी बार आप शेक करें तो जो टास्क है वो परफॉर्म हो जाए। इसके बाद यहाँ पर स्क्रीन बिहेवियर का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब स्क्रीन ऑफ होने के बाद भी ये जो फंक्शन है वर्क करे, और जब आप अपने डिवाइस को शेक करेंगे तो आप जो वाइब्रेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हार्डवेयर बटन से और जो एक्शन है आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर मैं जो है स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, मतलब मैं अपने डिवाइस को शेक करूँगा तो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं किसी ऐप को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ शेक वाले एक्शन के अंदर। तो यहाँ पर जब आप कौन से ऐप को सिलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे डिफॉल्ट एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वरना कौन से ऐप का दूसरा पार्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इसको आप जो अपने वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं और आपको खाली अपने डिवाइस की बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ कर देने तो ये जो फीचर है काफी अच्छे से वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो तीसरा मॉड्यूल है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, यहाँ पर एम्बिएंट डिस्प्ले वाला। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हम सबको पता है वो जो है सिर्फ एमोलेड डिवाइसेस में ही होती है, और कुछ ही ब्रांड्स होते हैं जैसे मोटोरोला वाले वो यहाँ पर अपने हर एक डिवाइस में देते हैं। तो यहाँ पर एम्बिएंट डिस्प्ले, यहाँ पर आपको उसका भी मॉड्यूल देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर, बस खाली आपको सिंपली सारे परमिशंस को अलाउ करने। फिर यहाँ पर ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर है अच्छे से वर्क करेगा। इसके बाद यहाँ पर मुझे जो दो फीचर है इसके काफ़ी अच्छे लगे, वेव टू वेक वाला जो फीचर है, मतलब आप जब अपने डिवाइस के प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे हाथ रखेंगे तभी आपको सिर्फ वो जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके बाद जो दूसरा फीचर है वेक ऑन लिफ्ट, मतलब जब आप अपने डिवाइस को उठाएंगे तब जो है सिर्फ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आएगी, तो ये दोनों फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगे मुझे। इसके बाद यहाँ पर आप जो है ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से ऐप यहाँ पर एक्सक्लूडेड और नोटिफिकेशंस वो जो है उस ऐप के नहीं दिखे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर। फिर यहाँ पर आप जो है अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन के बहुत सारे एनिमेशंस देखने को मिल जाते हैं, तो आप जो है कोई भी अपना मनपसंद एनिमेशन सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद आप नोटिफिकेशंस को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको नोटिफिकेशंस कौन से देखने को मिले, वो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। और आप जो है क्लॉक या तो फिर डेट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, उनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इस डिज़ाइनर के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब आप जो है पूरे कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है जेस्चर्स के अंदर भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मतलब कौन सा जेस्चर जो है कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाहिए आप उसको भी सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर डबल टैप पर मैं कोई भी टास्क सेट कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आगे आप जो है वेदर को भी ऐड कर सकते हो। और इसके बाद आपको बैटरी का भी ऑप्शन देखने को मिलता है एक्स्ट्राज में। और यहाँ पर आप जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को जैसे लगेगी, मतलब यहाँ पर आपको भर भर के कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो एक अच्छी बात है। मतलब किसी ब्रांड के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी इतने फीचर्स नहीं होते हैं। यहाँ पर मुझे जो है सिर्फ डेट स्टाइल और क्लॉक स्टाइल में लिमिटेड ऑप्शंस देखने को मिले। अगर यहाँ पर थोड़ी और डेट स्टाइल या तो फिर क्लॉक स्टाइल होती तो मज़ा आ जाता था, फिर यहाँ पर ये जो ऐप कंप्लीट लगती थी कस्टमाइजेशन में। तो ये थे 3 मॉड्यूल्स जो मैंने खुद यूज़ किए, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे ऐप लॉक है, फिर डार्कर ब्राइटनेस है, और यहाँ पर आपको पैरेलल स्पेस वाला भी मॉड्यूल देखने को मिलता है। मतलब दो अकाउंट्स किसी भी ऐप के आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिवाइस में। अब मैंने सारे मॉड्यूल्स को कवर नहीं किया वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये थे वो 3 मॉड्यूल्स जिनको मैंने यूज़ किया इस ऐप के अंदर। अब मैंने सारे मॉड्यूल्स को तो ट्राई नहीं किए, आप जो है उनको चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं इस ऐप के अंदर, जो भी आपको बेस्ट लगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस किए इस ऐप के साथ में। जैसे ये जो ऐप है मेरे डिवाइस में क्रैश कर रहा था। अब रीज़न तो मुझे नहीं पता है क्योंकि इस ऐप का जो साइज़ है वो भी इतना बड़ा नहीं है। हो सकता है आपके डिवाइस में ये जो ऐप है अच्छे से वर्क करे। मॉड्यूल्स इसके सारे काम कर रहे थे अच्छे से जिनको मैंने इंस्टॉल किया। अब यहाँ पर जो इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला मॉड्यूल है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेटली वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो एक ब्रांड प्रोवाइड करते हैं अपने डिवाइस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, वो ज़्यादा एक्यूरेटली वर्क करेगा इसके कंपैरिजन में। और ये तो एक थर्ड पार्टी ऐप है, तो आप समझ सकते हैं जो लेवल होने वाले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का वो कैसा होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर जो शेक एक्शंस वाला फीचर था वो भी आपको थोड़ा बहुत डिले उसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर किसी एंड्रॉयड डिवाइस में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो डिफ़ॉल्टली ऑन होती है। अब अगर ये जो फीचर है अच्छे से आपके डिवाइस में वर्क नहीं कर रहा है तो आप बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को सेटिंग्स में जाके डिसेबल कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप जो है सेंसिटिविटी को थोड़ा बढ़ा देंगे तो हो सकता है ये जो फीचर है अच्छे से वर्क करे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्या कहना है इस ऐप के बारे में और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस जाते जाते हम यूट्यूबर्स के 3 बेसिक नीड्स को ज़रूर से पूरा कर दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो भी आपका मन करे। मैं आपको मिलूंगा ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।